यहाँ पे ये देखिए, ये है वैष्णो देवी गुफा मंदिर का प्रवेश द्वार। और यहाँ पे हम लोग अभी चाट खाने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आज मैं घर से जा रहा हूँ मढ़ौरा, और मैं आपको आज पूरा बाई रूट दिखाने वाला हूँ यहाँ से मढ़ौरा तक का जर्नी। उसके बीच में जो भी कुछ फेमस स्पॉट्स हैं, जगह हैं, उन सब के बारे में मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा आपको इस ब्लॉग में। तो बस गाइस, आप बने रहे मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लेट्स स्टार्ट। रोड है जिस वजह से आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया ट्रैफिक जैम। यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न। ओहो, ये ट्रक वाले ने उल्टे से जाम कर रखा है हम लोग। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक वैष्णो देवी गुफा मंदिर जो अभी आपको दिख रहा है। ये यहाँ का काफ़ी फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये है वैष्णो देवी गुफा मंदिर जो कि काफ़ी पॉपुलर है इस एरिया में। अमनौर में काफ़ी फेमस टेम्पल है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एकदम हरा भरा रोड। रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं वृक्ष लगाए गए हैं, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे धूप भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, इधर से निकलते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग मढ़ौरा पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, और राइट हैंड साइड की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, ये आपको सिवान की तरफ, सिवान गोपालगंज की तरफ आप इस रास्ते से जा सकते हैं। और अभी हम लोग इधर मूव कर लिए। मढ़ौरा भी ये एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, और इस साइड से आप देखिए अभी यहाँ पे ये शुरुआत हो रही है, इधर शॉप्स वगैरह हैं। और यहाँ भी एक टेम्पल है जो कि यहाँ पे ये प्रवेश द्वार देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि मढ़ौरा में यहाँ पे मतलब एक चीनी फैक्ट्री हुआ करती थी, ये आप ट्रेंड्स का शोरूम देख सकते हैं। तो वो चीनी फैक्ट्री थोड़ा सा आगे, हाँ इस रूट में ही थोड़ा सा आगे है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से बाइक से ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, इसी के जस्ट बगल में उस साइड में आप चीनी फैक्ट्री भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना शानदार मौसम हुआ है, बादल काफ़ी मस्त दिख रहे हैं। और ये देखिए साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यही वो चीनी फैक्ट्री हुआ करता था। फिलहाल तो ये पूरी तरह से अभी खंडहर बन चुका है, बंद हो चुका है पूरी तरह से ये चीनी फैक्ट्री। और ये हम लोग अब ऑलमोस्ट इन कर गए हैं मार्केट में, मढ़ौरा मार्केट के अंदर में आ गए हैं, ये आप देखिए। और ये है मढ़ौरा का रेफरल अस्पताल। तो भाई फाइनली अभी हम लोग पहुंचे हैं मढ़ौरा मार्केट में, ये आप देख सकते हैं, ये है मढ़ौरा मार्केट का। और यहाँ पे मुझे काम है, तो उस काम को कंप्लीट करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चल पे आप देख रहे हैं काफ़ी लॉन्ग समय के बाद। तो भाई अभी हम लोग का काम कंप्लीट हो गया है, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और भूख भी लग चुकी है। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं होटल में। तो भाई फाइनली देखिए, हम लोग अभी होटल में रुके हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी चाट खाने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। फिलहाल ये देखिए, हम लोग अभी चाट खा रहे हैं, बिहार का फेमस चाट, हर जगह मिलेगा, हर होटल में आपको मिल जाएगा। और इस तरह से कुछ है, इसमें समोसा डाले हुए हैं, तो खा के देखते हैं किस तरह का टेस्ट है। ये आप देखिए इस तरह से, ये एक होटल है, अभी हम लोग हैं अमनौर में, है ना। ये बालक को देखिए कैसा लग रहा है, रेड
मस्त। तो भाई यहाँ पे अभी हम लोग खाने जा रहे हैं रस मलाई, दूध का बना हुआ। चाट के बाद अब रस मलाई। तो भाई फाइनली आ गए हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय।